वेलकम टू माय चैनल। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम एक और डिपार्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये NCDC है। एक्चुअली इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। और बहुत सारे लोग इस डिपार्टमेंट से इत्तेफाक आज के डेट में नहीं रखते होंगे, लेकिन दुर्भाग्य हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अभी हमारा जो पेंडेमिक चल रहा है, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें ये डिपार्टमेंट का ही सबसे बड़ा रोल है। लेकिन शायद अफसोस इस बात का है कि शायद आपको इस डिपार्टमेंट के लोग दिखेंगे भी नहीं। शायद आपने NCDC के किसी भी स्पोक्स पर्सन को या किसी भी ऑफिशियल को ना ही आपने प्रेस ब्रीफिंग में देखा होगा, ना ही आपने किसी भी डिबेट में देखा होगा। तो ये मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे देश को जो है कि वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सिर्फ वही IAS IPS ही चला रहे हैं। जो स्पेशलिस्ट है, जो पब्लिक हेल्थ का मैटर है, वो तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, वो बिल्कुल नदारद है। कहीं भी आपने देखा है तो आप जरूर बताइए, किन्हीं का नाम अगर आपको याद है। वो सिर्फ एम्स वाले लोग आते हैं, उसके अलावा तो शायद आपने देखा नहीं होगा। और प्रेस ब्रीफिंग में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह आते हैं, आप जो देखते होंगे अग्रवाल साहब को, वो भी वो हेल्थ से जुड़े थोड़े हैं ही, वो तो IAS है भाई। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए शायद बहुत लोग इस नाम को आज के डेट में नहीं जान रहे होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दिस इज द डिपार्टमेंट हु प्ले की रोल इन कोरोना। बट अभी के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन सभी चीजों से हम नहीं रखेंगे। तो मैंने इन बातों बातों में इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट स्पेशली जो महामारी होती है, जो जिन चीजों से जो है कि चीजें जो बढ़ती है, क्योंकि इसका फॉर्मली नेम देखिए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज था। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज आप समझ ही रहे हैं, जो एक से दूसरे में फैलता है, और फैलने से ही तो महामारी होती है ज्यादातर। और भी महामारी कम्युनिकेबल डिजीज के अलावा भी बहुत सारे पेंडेमिक के फॉर्म है, लेकिन मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज पहले इसका नाम था, बट अभी प्रेजेंट में इसका नाम रख दिया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी NCDC। ठीक है, ये जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एंड ये एक तरह से सबऑर्डिनेट ऑफिस है। ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिस का मतलब ये आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS जिसको कहते हैं। और DGHS का जो है कि एलोकेशन दिल्ली में जो है कि दिया गया है, उसके ऊपर भी वीडियो हम बनाएंगे, कुछ समय में हम बनाएंगे। हम लगातार सभी डिपार्टमेंट का बना ही रहे हैं, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, हम सभी जितने भी लोग कमेंट करते हैं, इंडिविजुअली मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और इंडिविजुअली कोशिश करता हूँ उस डिपार्टमेंट बनाने में, मैं सभी का बनाऊंगा। अभी कल परसों इलाहाबाद में जो है कि सेंट्रल रीजन में शुगर का आया है, CGHS का आया है, बस उस रीजन में बस एक दो ही तीन डिपार्टमेंट होंगे जिसका नहीं है, बाकी इनकम टैक्स का बना दिया, जो कि 90% इनकम टैक्स ही है। CGA का बना दिया है, सेंट्रल वाटर कमीशन का बना दिया है, स्टोर्स डिपार्टमेंट का बना दिया है। तो आप लोग देख लीजिए जाके, वहां पर आप लोग कमेंट करने चले जाते हैं, पहले चैनल पर वॉच कर लीजिए, सब्सक्राइब इसीलिए कहते हैं कर लीजिए, कम से कम आपको जब तक ज्वाइन वगैरह होता है तब तक सारा इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। इसीलिए आप वहां उसको जाइए, सर्च कीजिए, वहां पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। दिल्ली की भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं मैंने, UPSC का बना दिया है, आपका एक्सपेंडिचर का कल परसों बनाया, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसका मैंने बना दिया है, और भी हमारे लाइनअप किए हुए हैं डिपार्टमेंट, एक एक करके हम उन सभी पर आएंगे। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत अनुभव मिल गया, और ये डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा लोग पास जानकारी नहीं होगी, यही थोड़ा सा एक मतलब अच्छा नहीं लगा हमको ये मतलब इस डिपार्टमेंट के बारे में बताते हुए, लेकिन जो हकीकत है वो तो मुझे बताना है और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, डिपार्टमेंट है NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आपको है, आपको साउथ में आपको है, तमिलनाडु में इसके ऑफिसेस हैं, केरला में, कर्नाटका में है, फिर नॉर्थ में आइएगा तो दिल्ली में है, दिल्ली में तो हेडक्वार्टर ही है, मिनिस्ट्री के अंदर ही है तो हेडक्वार्टर है, और फिर बिहार में भी है इसका, पटना में भी है, यूपी में भी होगा, वेस्टर्न मुंबई में भी है, गोवा वगैरह में भी है, सब जगह इसके ऑफिसेस ब्रांचेस
ओपन है, ठीक है। तो आप एलोकेशन जहां जहां होगा उसी हिसाब से आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल ये सब डिपार्टमेंट ज्यादा वर्क नहीं होता है, ठीक है। ये सब डिपार्टमेंट एक्चुअली पब्लिक हेल्थ के ऊपर ज्यादा जो है कि फोकस्ड होता है, मतलब कैसे पब्लिक हेल्थ को देखना है, जो डिजीज वगैरह हो रहा है उस पर रिसर्च वगैरह, यही मोस्टली वर्क इसी में होता है। तो आपको जॉब प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई खास जॉब प्रोफाइल से भाग दौड़ या कोई एकदम बिजी शेड्यूल या कोई मिनिस्ट्री वाला जॉब यहाँ नहीं है जो आपको बहुत परेशान। जॉब प्रोफाइल एकदम नॉर्मल है, और वैसे भी जो ऑफिशियल्स के द्वारा आपको कहे जाएंगे वही सब आपको काम करना है, कोई खास इसमें यहाँ पर नहीं। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी वही होगा, अगर दिल्ली जैसे शहर में आपका अगर ज्वाइन होते हैं तो 30+ होने का संभावना है, कि जब तक डीए बढ़ ना जाए, अभी तक डीए तो बढ़ा नहीं है आपका। डीए उम्मीद है कि अगर जून जुलाई तक बढ़ जाता है तो कम से कम 14 से 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी, और अगर नहीं होता है तब फिर वही सैलरी मिलेगा, क्योंकि लास्ट जनवरी 2020 से ही कोरोना के टाइम जो है कि उसको रोक दिया गया है डीए को, ठीक है। तो डीए बढ़ेगा तो टीए ऑन डीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पर भी डीए बढ़ता है, तो इन सभी चीजों को मिक्स करके ये आपका बढ़ जाएगा, 4-5 हज़ार रुपया कम से कम मान के कि बढ़ जाएगा। उसके बाद ऑफिस ड्यूटी और वही 9 to 5, 10 to 6 वही जॉब होगा नॉर्मली जो होता है, वर्कलोड वगैरह कुछ खास नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है इन दोनों ऑफिस। अब बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिहाज से ये डिपार्टमेंट आपको थोड़ा सा निराश करेगा, इसमें इतना कोई खास प्रमोशन नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है ना, कि इसमें ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब वर्क स्ट्रेंथ मतलब लोगों का जो है कि मतलब स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं है, कम सम डिपार्टमेंट आप जाइएगा। मुझे कहीं एक ऑफिस का जहाँ तक मुझे पता चला है पटना में है, मुश्किल से 4-5 स्टाफ ही हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को चला रहे हैं शायद, एकदम मतलब मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, कोई एक कैंडिडेट है उनसे मुझे पता चला है कि आप समझ सके 4-5-6 लोग ही पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं, तब समझ सकते हैं छोटा सा डिपार्टमेंट है, कोई बड़ा इसका खाका नहीं होता है, ठीक है। तो प्रमोशन के लिहाज से वही होगा, पहले आपको एलडीसी बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, 3 साल ऐसे इसका रूल है, 3 साल में आपको बनाना है। यूडीसी बनाया जाएगा वो भी लगभग कब बनेगा नहीं कह सकते हैं, 8 साल ऐसे है कि एलडीसी में अगर 8 साल रेगुलर सर्विस करते हैं तो यूडीसी बनते हैं, फिर हेड क्लर्क बनता है, फिर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर, इतने सारे पोस्ट हैं मगर, ठीक है। लेकिन क्या है ना, स्ट्रेंथ नहीं है उतना डिपार्टमेंट में उतना, ये मतलब एक होना चाहिए जो थोड़ा सा उस तरह का नहीं है तो प्रमोशन वगैरह डिले होगा, लेकिन इतने सारे पोस्ट क्रिएटेड हैं वहाँ पर, ठीक है, इतने सारे पोस्ट हैं वहाँ पर, अकाउंटेंट वगैरह भी है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस में अलग अलग सेक्शन होता है, अकाउंट्स अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, स्टोर्स में स्टोर्स का भी रहता है, स्टोर ऑफिसर हो गया या स्टोर असिस्टेंट, मतलब बहुत तरह के अलग अलग होते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, मतलब प्रमोशन का जो कहिएगा उतना बढ़िया वाला, तो ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ प्रमोशन उतना कोई खास आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बस तो आपकी पोस्टिंग अगर अपने होम टाउन के आसपास या आसपास हो जाए तो इससे बढ़िया तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं। फैसिलिटीज में फिर से फैसिलिटी होंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह मिल ही जाएगा आपको, और दिल्ली वगैरह में तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स का समस्या रहता है, लेकिन बाकी अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो हमको लगता है क्वार्टर्स में दिक्कत नहीं होगा, बाकी सीजीएचएस फैसिलिटी यहाँ भी मिलेगा आपको इलाज वगैरह कराने के लिए, एलडीसी फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगा, सारा जो भी चीज़ है तो सभी कुछ नॉर्मल मिल जाएगा एज यूजुअल, जैसे जैसे मोस्टली डिपार्टमेंट में आपको मिलता है। तो ओवरऑल यही था आपका मतलब इस डिपार्टमेंट के बारे में, प्रमोशन के लिहाज से डिपार्टमेंट अप टू द मार्क नहीं है जो मुझे पता है, मुझे जानकारी है इस डिपार्टमेंट के बारे में, पर्सनली कुछ लोग हैं इस डिपार्टमेंट में उनके द्वारा ही मुझे पता चला है, तो यही है। बाकी ये डिपार्टमेंट आज की डेट में इट इज़ द मोस्ट की डिपार्टमेंट, इसको आप कह सकते हैं, देखिए पूरा एसओपी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया, ये तो इसका मेन साइट नहीं है, इसका मेन जो साइट है एक 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 अलग से साइट इसका बना हुआ है जो सिर्फ कोविड कंट्रोल के लिए है, देखिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट, चेकलिस्ट, एसओपी, ट्रेनिंग मटेरियल, स्पेशली इनका जो मतलब है ये, ठीक है। तो डिपार्टमेंट तो आज के डेट में काफी है, चर्चा में है, लेकिन चर्चा में संजोग से नहीं भी है ये भी कह सकते हैं, जो कि शायद दुर्भाग्य हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो बस इस डिपार्टमेंट के बारे में इतना ही बताऊंगा, जो लोग को एलोकेट हुआ है वो लोग अब इस वीडियो को देख लेंगे और आगे शेयर भी कर दीजिए बाकी लोगों तक भी, वो भी देख सकते हैं। और बाकी डिपार्टमेंट जो एलोकेशन अभी नहीं हुआ है, जैसे कि अभी आपका वेस्टर्न रीजन मेन हो गया, फिर केरला कर्नाटका रीजन है,
फिर आपका नॉर्थ ईस्ट है, मध्य प्रदेश है, इन लोग का भी एलोकेशन नहीं आया। आई होप कि जल्द से जल्द वो आ जाएगा, तो बाकी लोग का भी समस्या समाप्त हो जाएगा, फिर ज्वाइनिंग ही आनी है, नॉमिनेशन ज्वाइनिंग साथ भी आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। जो भी अपडेट होगा आपके वो उस बारे में हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।